बीजेपी सरकार अपनी विकास यात्राओं पर निकली है, जिसको सफल बनाने के लिए बीजेपी नेता भी मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में बैतूल के भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला ने विकास यात्रा के दौरान शासकीय महाविद्यालय भैंसदेही पहुंचकर छात्र छात्राओं से प्रत्यक्ष संवाद किया। उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को छात्र छात्राओं के सामने रखा और अधिक से अधिक संख्या में योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। हर गांव, हर पंचायत, हर वार्ड, हर शहर, सभी जगह ये विकास यात्रा पहुंचेगी और विकास यात्रा उसमें हमारे सारे नेतागण, अधिकारीगण, ये सब उस यात्रा में, विकास यात्रा में उपस्थित रहेंगे। और ये यात्रा का उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो गांव-गांव में काम किया है, विकास कार्य किया है, एक तो उसका निरीक्षण हो जाए ठीक से और हर गांव में जो विकास हुआ है वो भी जनता को पता चले। क्योंकि विपक्षी दल बार बार ये बोलते हैं कि आपने 15 साल में किया क्या, 15 साल का हिसाब बताओ, बोलता है कि नहीं बोलते। तो अभी जब आपके गांव में यात्रा जारी होगी, भूमि पूजन हो रहे होंगे, लोकार्पण हो रहा होगा, कुछ निरीक्षण हो रहा होगा, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य है। हमारी सरकारें विकास और गरीब कल्याण तीन मुद्दों पर काम कर रही है। विकास जो आपने देखा है, आपके गांव में रोड हो, नाली हो, आंगनवाड़ी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, ये आपकी जो यहाँ परतवाड़ा सामने वाली सड़कें देख रहे हैं या मुल्ताई तक की सड़कें देख रहे हैं या NH देख रहे हैं, ये सब किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की।